कोई इंसान नाम का मुसलमान है नाम का मुसलमान है अच्छे अमाल नहीं करता है माय नेम इज वनीता एंड आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मुझे से पूछना था कि uh, मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन uh, में जाते हैं एंड हु इज नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल सो

कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे गैर मुस्लिम दोजक में जाएंगे मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है अल्लाह सुबाना व तालाम के मुताबिक चलता है क़ुरान और सही हदीस पर अमल करता है उसे कहते हैं सही मुस्लिम ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान हैं वो इन जन्नत में जाएगा लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे बहन जन्नत में जाने के लिए चार शराब है जब मैं मेरा टेंथ स्टैंडर्ड पास किया मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारग हूँ जब मैं आई में था दसवीं में मेरे एग्जामिनेशन में सिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस जोग्राफी हिस्ट्री हिंदी सिक्स सब्जेक्ट्स कंपल्सरी सिक्स सब्जेक्ट्स में पास होना कम्पल्सरी है इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार शरात है ये लिखा है अल-असर में सूरा नंबर 103, आयत नंबर एक दो तीन जिसमें अल्लाह फरमाते वल अनसानजी आमनो व आमिनिहाती बिल हक व तबास बिल सब्र सुबह व कसम खा रहे है वक्त की असर की बेशक इंसान खसारे में है सिर्फ वो लोग जो चार चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं और ये चार चीज़ें ईमान अमल सौलहत मतवा सोबिल हक मतवा सोबिल सब्र जिस तरीके से मुझे टेंथ स्टैंडर्ड पास करने के लिए छह सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस में निन्यानवे फीसद मार्क्स मिलते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट और हिंदी में सिर्फ मुझे टेन परसेंट मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज फोर्टी परसेंट पास होने के लिए चालीस मार्क्स की जरूरत है अगर एक सब्जेक्ट में हिंदी में मुझे दस फीसद मार्क्स मिलते हैं और बाकी पांच सब्जेक्ट में निन्यानवे फ़ीसद मार्क्स मिलते हैं क्या मैं टेंथ स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं टेंथ स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं एक सब्जेक्ट में टेन परसेंट बाकी फाइव सब्जेक्ट में 99% नाइन परसेंट क्या मैं टेंथ स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं नहीं क्यों क्योंकि मुझे हिंदी में दस फीसद मार्क्स मिले भले 99 नाइन मिले बाकी पांच सब्जेक्ट में हिंदी में 10 फेल उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सुर अल असर के हिसाब से चार चीजें जरूरी है ईमान अमल सौलहत नेक अमाल जो आप कह रहे वतवा वतवा बिल हक लोगों को हक की तरफ बुलाना वतवा सोबिल सब्र लोगों को सब्र की तरफ बुलाना चार चीजें जरूरी है अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान है अमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में 99 लेकिन ईमान में तो आप फेल है आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है जो सारी मजहबी किताब में लिखा है तो आप ईमान में फेल है आप कितने भी नेक काम करो 99% परसेंट मिले 100% परसेंट मिले बाकी तीन हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है नाम का मुसलमान है अच्छे अमाल नहीं करता है नेक अमाल नहीं करता है मतवासो बिलहक दावत नहीं देता है लोग को हक के राह नहीं बुलाता है या लोग को सब्र की तरफ़ नहीं बुलाता है सिर्फ नाम का मुसलमान है मोहम्मद सुल्तान जाकिर अब्दुल्ला तो वो जन्नत में नहीं जाएगा उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान अमर सौलहत फतवा सब फतवा सोबिल सब्र चारों चीज़ की ज़रूरत है इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और ईमान नहीं है मोहम्मद वसल्लम आखिरी पैगंबर है तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे बहन क्या आप मेरे जवाब से सहमत है यस थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग मोस्ट वेलकम